हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा। यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि आप सभी लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास मैंने कहा था कि उसको लाया जाए, तो बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल नए वे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और बिल्कुल अलग कुछ पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। और यह आपके UPSC का और स्टेट पीछे जितने भी स्टेट पीछे के आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर UPSC का यानी IAS का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। और पूरा अंत तक जो है इस वीडियो को, चूँकि क्लास की जो टाइमिंग है मैं अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर रहा हूँ, और सभी लोग ज़रूर देखें, ठीक है, सभी लोग देखें। यहाँ पर तो यहाँ पर भारत का जो भूगोल होगा, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पर विद मैपिंग, मैपिंग के साथ साथ तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिना मैपिंग के आप जो है इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना जो है, या कोई भी भूगोल, भूगोल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैपिंग तो होना ही चाहिए, मैपिंग मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। टाइमिंग मैं आपको अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, सभी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस ज़रूर कर देंगे फॉर UPSC और स्टेट पीसीएस। तो जितने भी PCS के, स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं या फिर UPSC के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में क्या हमारा डिफरेंट रहता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें UPSC के, तो UPSC में स्टेट जो UPSC में आप जानते हैं 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न में से कम से कम आप मान के चलिए 14 से 16 प्रश्न, कभी कभी प्रश्नों की संख्या घट या बढ़ सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से मिलते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है UPSC के लिए। वहीं अगर हम स्टेट PCS की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा रहता है, यानी अगर आप केवल UPPCS का अगर आप दे रहे हैं, UPPCS में कम से कम इसमें से मैंने आपको प्रश्न आपको दिखाए भी थे, ठीक है, लगभग अगर UPPCS की अगर आप बात कर रहे हैं तो 25, ठीक है, 25 नियर अबाउट 25 क्वेश्चन, ठीक है, तो 22 से 25 क्वेश्चन UPSC में। बाकी आपके अगर MPPCS की अगर हम बात करें, ठीक है, तो UPPCS में थोड़ा सा यहाँ उत्तर प्रदेश का भी भूगोल आ जाता है, तो उनको सभी को इंक्लूड करते हुए MPPCS में MPPCS का आ जाता है, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी से यहाँ से देखने को मिलता है। यह केवल हम इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात, ये केवल इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ PCS का होता है, CGPSC का होता है, ठीक है, वहाँ से भी लगभग 18 से 20 प्रश्न जो है पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें BPSC की, बिहार PCS की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी लगभग जो है 20 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टेट PCS में इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को हमको अच्छे तरह से पढ़ना है, और ख़ासकर अच्छे तरह से पढ़ने के साथ साथ जैसे मैंने UPPCS की बात की, MPPCS की, छत्तीसगढ़ के, और बिहार, जो जहाँ पे ज़्यादा लड़के जो है फॉर्म भरते हैं, MP का और बिहार का और अपने उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का, ये चार जो राज्य है, यहाँ पर चार राज्यों के बारे में भी, उनके भूगोल के बारे में भी मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है रिलेटेड हो सकती हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और साथ में यह भी मैं आपको बता दूँ जो टाइमिंग रहने वाली है मेरे भाई, ठीक है, सभी लोग टाइमिंग भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी टाइमिंग रहने वाली है वह जो CSAT वाली टाइमिंग थी, CSAT वाली टाइमिंग यानी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से, तो सुबह 9 बजे से आप सभी भाई बहन लाइव हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यह आपकी क्लास इंडियन ज्योग्राफी की होने वाली है, और सभी लोग ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी कमेंट होंगे, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, सभी लोग। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, ठीक है, और सभी लोग फटाफट लाइव ज़रूर हो जाइएगा,
9 बजे आप सभी को इंतज़ार रहेगा आपके इंडियन ज्योग्राफी का, क्योंकि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कब से चल रही है। तो ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास अब आपको कब से मिलेगी, कल सुबह 9 बजे। सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।